अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और अनवर मैं हूँ मोहम्मद और सलाम। मैं हूँ जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है शुएब इन दुबई फूड मार्केट। तो देखते हैं, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं खास चीज है यहाँ पे, और सर जो हमारे साथ मौजूद है वो हमें इंडियन बताएंगे कि फूड आखिर मार्केट। इस रेस्टोरेंट में ऐसी क्या चीज मौजूद है। सर पहले बताइए, तो इस टाइम हम पहुंच चुके हैं उस जीएमसी में रहो रेस्टोरेंट के हम। बाहर। अब सर आप वाह, तो बता दीजिए कि ऐसा ये तो क्या। अच्छा सरप्राइज है। देखो, और एक मैसेज है वाह, मेरे हिसाब से। आपका दुबई ट्रिप का ना ठीक है ये गाना स्पेशल होगा। अभी ठीक तक लाइफ में आपने नहीं देखा है। होगा, ओए भाई क्या पाकिस्तानी यार की प्यार जो है। भाई बहन वो भी नहीं देखा होगा, ठीक वो बहुत है एक्साइटेड होंगे। जी। तो इस टाइम हमारे पास इंडियन पानी पूरी मौजूद है, लेकिन ये 2050 की पानी पूरी ऐसा हमें बताया गया है। तो इनसे पूछते हैं पहले कि क्या स्पेशलिटी है इसमें, फिर उसके बाद आपको बताएंगे। स्पेशलिटी वी हैव दैट दिस इज आवर रगड़ा, दिस इज इंस्पायर्ड विद पोटैटो। रगड़ा ये क्या है? ये रगड़ा। रगड़ा ठीक है। अच्छा नाम उन्होंने अपना रखे हैं इंडियन रगड़ा और वो सब कुछ। ये टीका सही है। यार ये टेक्नोलॉजी गोलगप्पा है, ये आप नहीं है टेक्निकल। इनकी तरफ से पाकिस्तानी को आ रहा है गोलगप्पा। पानी मार रहा है। वैसे देखने को लेट्स सपोज मैं बात करूं, शायद ऐसा ही टेस्ट हमें सेम पाकिस्तान सेम इंडिया में भी मिले, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन दी है तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। नाम होना चाहिए था फूड लैब। ओ यार ये देखिए सर, वाह जी वाह, शेफ चौधरी भाई मजे में। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें मुझे। दीस आर द फ्राइड टोर्टिया कॉर्न्स व्हिच वी फिल विद मैक्सिकन। अगर आप पास आए कैमरा दिखाएं कि किस तरीके से थोड़ा मैक्सिकन बीन्स, देयर इज गो, देयर इज एवोकाडो, there is some fresh tomato salsa and jalapeno pico the garlic on. अच्छा अभी से सर्व कैसे करेंगे, हम कैसे खाएंगे? मुझे तो ये देख के थोड़ा डर लग रहा है कि खाने वाली चीज से। ठीक है, वो यार सभी से धुआं निकल रहा है, हर चीज से आग निकल रही है। धुआं निकल रहा है भाई, आग नहीं धुआं। हाँ आग का ही धुआं बनता है। एप्पल बेसिल यार, एप्पल एंड जालापेनो इज देयर। लगता है गरम गरम खाना है। So tell me, how was your last day in Dubai? ये लो भाई, मुझे लगता है हुक्का बार में आ गया। देखिए जी कोशिश की गई है, और ये बड़ी जबरदस्त चीज है। शायद अगर इंडिया का कल्चर ऐसा पूरी दुनिया में प्रमोट हो रहा है, डोंट टेक मी रॉन्ग, मतलब गलत मत समझना, ठीक है। आपको लगता है इधर से वापस जाने के बाद उधर का माहौल अलग है और दूसरी तरीके से बात करते हैं। क्या बात करते हैं? गजवा इन करना है और हमको ओपन करेंगे तो उनको मार देंगे। हाँ ठीक है। When you go back to India, you will never hear this across the country, पाकिस्तान। सही बात। एक आदमी भी नहीं बोलेगा पाकिस्तानी को मार देने चाहिए। आज की वीडियो तो काफी तो स्पेशल। आज हम एक ऐसे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, स्पेशल रिकमेंड किया गया कि भाई बहुत ही कोई खास चीज है यहाँ पे, और सर जो हमारे साथ मौजूद है वो हमें बताएंगे कि आखिर इस रेस्टोरेंट में ऐसी क्या चीज मौजूद है। सर पहले बताइए कि इस रेस्टोरेंट में हम आ चुके हैं, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, इसकी खास चीज क्या, ऐसी खासियत है? शोएब ऐसा है, देखो आप तो स्पेशल गाड़ी काम कर रहे हो, जीएमसी हमारा इंडिया और पाकिस्तान को मिलाने के लिए कोशिश कर रहे हो। आप पाकिस्तान में मुसलमान हो, मैं इंडिया का हिंदू, ठीक है। आपको एक स्पेशल जगह लेकर आया हूँ बिकॉज आई फील दैट आपको स्पेशल ट्रीट करना चाहिए क्योंकि आप प्यार बांटना चाहते हो। सर लेकिन उसमें स्पेशल है क्या, वो भी तो बताएं। अभी जाके देखिए। आइए आइए ओके ओके आइए।
तो इस टाइम हम पहुंच चुके हैं उस रेस्टोरेंट के बाहर। अब सर आप तो बता दीजिए कि सरप्राइज देंगे यार, बहुत तेज हो जाते हैं हम पाकिस्तानी और इंडियन। हमारा कल्चर में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत चीजें हैं। जैसे मैं पाकिस्तान आऊंगा तो बहुत चीजें आप दिखाएंगे, ऐसे ही हमारा इंडियन का चीज आपको दिखाना चाहते हैं। ऐसे वो नया चीज देखेंगे, नया कल्चर देखेंगे, आपको क्या होगा, खुश होंगे और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये वेज है या फिर मतलब टोटली वेज है, नॉन वेज है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, आप देख लीजिए। ठीक है जी, आइए मेरे साथ। और ये तो स्पाइस क्लब है, ठीक हो गया, वीगो, ठीक है। और ये जो भी हम खाते हैं मेरे हिसाब से आप पहले नहीं देखे होंगे। अच्छा, ये तो नया एक्सपीरियंस है, ये हम भी देखेंगे और अपने देखने वालों को भी हम जरूर बताएंगे। हमारे साथ सर प्रूफ भी मौजूद है। सर आइए फिर चलते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें स्पेशल है। और मैं तो थोड़ा बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि देखें आखिर इसमें ऐसा क्या है कि स्पेशल हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ की आए सर बैठे हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं तो कहता हूँ चलो आ जाए ऑर्डर वगैरह हम वहीं पे करेंगे। यस यस यस, I wanted to get excited. नहीं, you should take this. नहीं, मेरे ख्याल से क्या व्यू है? पाकिस्तान के भी खाने पूरी दुनिया में फेमस है, तो ऐसा क्या होगा? मुझे तो इतना नहीं खाने का नहीं, लेकिन जितना आपने स्पेशल बोला है कि बड़ी कुछ यूनिक चीज है। मेरे हिसाब से आपका दुबई ट्रिप का है ना, ठीक है, ये खाना स्पेशल होगा। अभी तक लाइफ में आपने नहीं देखा होगा, पाकिस्तानी की हमारे भाई बहन वो भी नहीं देखा होगा, वो बहुत एक्साइटेड होंगे, बहुत लोग दुबई आएंगे, हमको भी मिलेंगे। ठीक है जी, जरूर चले आइए बैठते हैं और फिर उसके बाद ऑर्डर वगैरह करते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर क्या स्पेशल है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बैठेंगे। और सर आपको क्या लगता है, मतलब पाकिस्तान में भी हमने बड़े रेस्टोरेंट विजिट किए हैं, हम देखते हैं सारा दिन घूमते रहते हैं, आपको क्या लगता है कुछ ऐसा होगा जो हमने पहले नहीं देखा होगा? देखिए जी, हर जगह पे जो न्यूनेस है, इनोवेशन है, वो तो होती है, लेकिन पाकिस्तान नो डाउट बहुत न्यूनेस इनोवेशन होती है, लेकिन खाने में क्या मतलब हो सकता है? दिस इज दुबई, क्या दुबई, दिस इज व्हाट कल्चर इज, कम टू दुबई, इंडियन और इस्लामिक एंड यू नो इंडियन पाकिस्तानी कल्चर टुगेदर। ठीक हो गया। और सर ये रेस्टोरेंट भी किसी इंडियन का है? हां जी, वो सामने वाला फ्रेम अगर कैमरामैन दिखाएंगे, बहुत ही खूबसूरत फ्रेम है, बहुत ही खूबसूरत सीनरी है, एंड आई थिंक इट इज गोल्ड गोल्डन टेंपल। अच्छा बल्कि ऐसा करते हैं, हमारे साथ ये रेस्टोरेंट के जो मैनेजर हैं वो भी मौजूद हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। आपका नाम? मेरा नाम है तन्मय। तन्मय फ्रॉम इंडिया? आई एम फ्रॉम इंडिया। व्हिच सिटी? फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ठीक हो गया। ये रेस्टोरेंट के बारे में बताइएगा सर, स्पेशल मुझे यहाँ पे लेके आए हैं कि भाई एक ऐसी चीज आपको दिखाने वाले हैं आप, जबकि पाकिस्तानी या इंडियंस की अगर बात करें, मैं समझता हूँ हम ये कहते हैं खाने तो स्टार्ट इंडिया से हुए, तो फिर ऐसा क्या दुबई में मौजूद है? दुबई में बेसिकली दुबई एक ग्लोबल विलेज है, मैं तो वही बोलूंगा। और दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे जो है हम इंडियन फूड के ऊपर मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी को लेके आए हैं, बेसिकली वही हम हैं जो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यही हमारा फूड के ऊपर मेन फोकस है कि दे कैन स्पेंड दैट टाइम, और ये स्पेशलिटी है। ठीक हो गया, वही बात है। चले जी, हमने इनसे पूछा और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने इस थीम को डेकोरेट किया, ये थीम बनाया है खासतौर पे, ये यहाँ पे गोल्डन टेम्पल की बात करें, इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कुशन यहाँ पे पड़े हैं इसके पीछे, आप ये कराइए, अच्छा स्पेशल दिखाना है, अच्छा अच्छा आप बैठो ठीक हो गया। नहीं, मैं जो चीज बताना चाह रहा था, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पड़े हैं हर एक का एक थीम इस तरीके से बनाया गया है, किसी के प्रॉपर मतलब हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, और ये बड़ी जबरदस्त चीज है। शायद अगर इंडिया का कल्चर ऐसा पूरी दुनिया में प्रमोट हो रहा है, अगर पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है, उसकी यही रीजन है कि आप लोग बिजनेस भी करते जा रहे हैं, लोगों से पैसे भी कमाते जा रहे हैं। और नहीं, हम दोनों का कल्चर यू नो एक ही कल्चर है, एंड इट इज अ वास्ट कल्चर, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ कल्चर है। हम इसको मार्केटिंग करना चाहिए, इसमें हमारा ये जो पिलो है ना यहाँ पे, ठीक है, हर एक पिलो अलग है, अलग है, स्टार्टिंग फ्रॉम राजस्थान, पंजाब, हर एक के ऊपर एक एक थीम वाइज आपको पिलो मिलेंगे, सब कुछ है इसके ऊपर, आगे से लेके पीछे तक। ऐसे ही मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना कि बिजनेस भी इन्होंने कर लिया,
और इंडियन कम्युनिटी को भी अट्रैक्ट किया, इवन इंडियन कम्युनिटी के अलावा बहुत से लोग आके यहाँ पे खाते होंगे और बड़ा इंस्पायर होते होंगे और पूरी दुनिया में ये कल्चर गया। नहीं, अभी से सारा पाकिस्तानी लोग भी आएंगे ना तुम्हारा चैनल देखकर। पाकिस्तान से, इंडिया से, जहाँ से भी लोग देखते हैं। मैं तो देखो, आप लोग हमारा बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए, हम आपका बिजनेस को प्रमोट करेंगे, दोनों साथ में प्रमोट करेंगे, हम दोनों का जो कल्चर है, हमारा इकोनॉमी है, पूरा दुनिया में हमको हम बेहतर कर सकते, बेहतर कर सकते हैं, उसमें हम हमारा इकोनॉमी बड़ा होगा, ऐसे ही है, और फिर हमारा रिलेशन बेहतर होगा, और फिर जहाँ पे कहीं दोनों ही कंट्रीज के लोगों के इंटरेस्ट जुड़े होंगे, इन्वेस्टमेंट जुड़ी होगी, तो वहाँ पे ये छोटी सी बात में हम आग बगोला हो जाते हैं, सर तन से जुदा या कुछ भी हो जाता है, वो भी चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि पैसे जुड़े होंगे, बिजनेस जुड़ा होगा। नहीं, मेरा एक मैसेज है, जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जो हमारा इंडियन हिंदू को मारना चाहते हैं, प्लीज आप आइए, मैं आपको इधर काना के खाऊ प्यार बांटूंगा, और मुझे ये अफसोस है, आप मुझे क्यों मार रहे हो, मैं क्या बिगाड़ा आपको, मैं इतना प्यार दूंगा आप लोग, आप सोच भी नहीं सकते। आज तो यार तबाही फेर दी भाई ने, बहुत इंडियन है, और जो इधर मुल्क में हमारा इंडिया में मुस्लिम एंड हिंदू बहुत साथ रहते हैं, मेरा पहला सैलरी में मैंने क्या खरीदा मालूम है, क्या खरीदा, छोटा सा कुरान खरीदा, मेरा अंकल, मेरा अंकल, उसका नाम था असलम, करेक्ट है, उसको मैं अंकल बोलता हूँ, और जो तीन भाई थे, असलम, अलीम एंड कलीम, ये तीनों भाई मेरा मदर को अक्का बोलते हैं, मतलब बड़े बहन, बड़ी बहन। अच्छा, वैसे तो ये फूड व्लॉग है, हम इस तरह के टॉपिक्स को अलहदा से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये बताया जाता है कि लेट्स सपोज हिंदू से बात कर लेना या उनकी किसी बुक को पढ़ लेना बहुत ही शायद कुछ गलत चीज है, लेकिन मैं ये श्योरिटी से कहता हूँ कि मेरा जितना नॉलेज है इस्लाम को लेके, जो ओवरऑल चीजें हैं, जब हमारी ये सर से डिस्कशन हुई है, तो शायद मेरे से ज्यादा नॉलेज इनके पास मौजूद है इस्लाम को लेके, तो अगर ये लोग हमारे मजहब को पढ़ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं इनकी बुक्स को पढ़ के सीख सकते हैं। हम गोरों की, अंग्रेजों की बुक्स को पढ़ के बड़ा प्राउड फील करते हैं, उनकी लैंग्वेज बोल के बहुत कहते हैं कि ये बड़ा, नहीं आज क्या बात हुआ है हमारा, बड़ा जबरदस्त, मेरे से क्या बात हुई, मतलब हजरत मोहम्मद की लाइफ के बारे में जो बहुत से सवाल थे इन्होंने मेरे से पूछे, शायद मुझे नहीं आए, लेकिन उन्होंने विद लॉजिक उसको एक्सप्लेन किया। मैं कहता हूँ ये फूड व्लॉग है, इसे सर फूड व्लॉग रहने देते हैं, और इसके बाद कोई एक प्रॉपर सेशन करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, और बैठ के हम गपशप करेंगे। आइए सर बैठते हैं, बड़ी जबरदस्त मेरे ख्याल से ये आज की ये वीडियो और आज की ये मुलाकात रहेगी, और इसके ऊपर हम चीजें करेंगे। चल लाए खाना, लाए सर जी। तो इसमें हमारे पास इंडियन पानी पूरी मौजूद है, लेकिन ये 2050 की पानी पूरी ऐसा हमें बताया गया है, तो इनसे पूछते हैं पहले कि क्या स्पेशलिटी है, था इसके था है। आपको बताएंगे स्पेशलिटी ये ठीक है, अच्छी and this is the inside is pouring that dry ice actually, so it's because of make this cold, so make this cold, this water, right? So this one is cold and this one is hot, sorry, this one is cold and after it, yes, yes, okay, exactly. एक बना के दिखाओ, हां बिल्कुल, एक बनाए खिलाए ना, हमें तो बताया, हमें तो कुछ पता नहीं है इसके बारे में। आप क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे, ये कैसा यहाँ पे एक बिल्कुल हट के फ्लेवर है, हट के एक उन्होंने एक बनाया हुआ थीम? हाँ सर, एक्चुअली ये है, ये तीन रेस्टोरेंट है दुबई में, ये मेरा वाइफ के लिए बहुत पसंदीदा है, कुछ बर्थडे होती है सर, ये रेस्टोरेंट कम और लैब ज्यादा लग रही है, देख रहे हैं आपको मालूम है मैं क्यों लेकर आया आपको, आप बार बार टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, मैं दिखाना चाहता हूँ खाने में भी टेक्नोलॉजी, सही बात। ये क्या है, ये रगड़ा, ठीक है, अच्छा नाम उन्होंने अपना रखे हैं इंडियन रगड़ा और वो सब कुछ, ठीक है, खोलो टीका भाई, बड़ा इंजेक्शन तो इधर है, साइंटिफिक इंजेक्शन, ठीक है, ये केचप वगैरह डाल रहे हैं ना, हां इंजेक्शन ऑफ वाटर, लो मिंट स्पाइसी वाटर, दिस वन इज सो जस्ट ओपन इट, ये जिसका हाजमा नहीं ठीक होता उसको लगा यार
भाई वाला नहीं रिएक्शन दे सकते ओ ऐसे करते अभी कुछ और भी आ रहा है अभी देखो और ये क्या आ रहा है ये कुछ नहीं इस पर इन्होंने आग डालनी गरम पानी गरम पानी पालक इधर ही पाक रहे हैं पालक चाट पालक चाट सो दिस इज द ब्रेस्ट पालक लीक सर मैरिनेटेड विद चिकपीक बैटर एंड दिस इज द लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्रीज 196 डिग्रीज माइनस वाओ सो वी आर पोरिंग हिम मेक दिस क्रिस्पी 96 ओह यार पक गया भाई आग की जरूरत ही नहीं गरम पानी के साथ ही यार पका अब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए ये टेक्नोलॉजी या फिर आप कह लें कि आने वाले टाइम में कितनी ज़रूरत हो सकती है फूड टेक्नोलॉजी की इसे हम फूड टेक्नोलॉजी कह सकते हैं ना तो नहीं यार देखो नॉर्मली नॉर्मल रेस्टोरेंट जाते हैं हाँ बिल्कुल आप आपका स्पेशल पर्सन को लेकर आना चाहते हो जैसे आपको मैं लेकर आया तो थोड़ा लेकिन जिस तरीके से उन्होंने तो ये चीजें बड़ी मैटर करती है ये इंडिया पाकिस्तान वालों ने देख लिया काफी का ओए यार क्या चीज बना दी टमाटर हर चीज तो इधर है जो डाल अभी छोड़ो बिल्कुल ऐसे इवन मेन्यू बिकम ये तो ये खास तौर पे याद रहेगा कि भाई ये क्या सर कैसे सर जबरदस्त हो गया और ये फ्रॉम इंडिया और ये जो रेस्टोरेंट है ये भी इंडियन मुंबई से कभी मुझे आपने देखा वैसे तो मैं पाकिस्तान कैमरा मैन की नहीं कैमरा मैन के लिए लेकिन उसमें बहुत से इश्यूज आ जाते हैं कि भाई हमने बहुत बार ट्राई किया ये किया लेकिन कुछ ना कुछ हाँ इसमें जब तक हम भी विलिंग नहीं होंगे ये भी विलिंग नहीं होंगे और हम अपनी जो खामियां हैं उन्हें भी दूर करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है जो अभी हम बहुत लंबी बात कर रहे थे देखो सी इफ यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंसेस आएंगे ऐसे ही है अभी खाने के बारे में बात कर रहे हैं तो कल्चर की बात कर रहे हैं क्या हो रहा है हमारा मूव मतलब इतना खुशी यही चीज है हम दोनों देश को ये सब में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए हमारा जो कल्चर में था वो सब में मिलके जुलके ये सब करेंगे ना करेंगे ऑटोमेटिकली प्यार हो जाएगा यार यार ये सब होने के बाद अच्छा कितना भी आर्गुमेंट करो तो कभी भी मुझे नफरत नहीं कर सकते ऐसे ही ऐसा एक और चीज हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि जब आपकी बिजनेस इन्वेस्टमेंट रहती है अच्छा ओ वाओ इसका इसका नाम होना चाहिए था फूड लैब ये देखिए सर हाउ इज इट अच्छा ये आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें मुझे दिस आर द फ्राइड टोर्टिया कॉर्न्स व्हिच वी फिल विद मैक्सिकन अगर आप पास आए कैमरा दिखाएं कि किस तरीके से मैक्सिकन बीन्स देयर इज गो देयर इज एवोकाडो देयर इज सम फ्रेश टोमेटो सलसा एंड जलेबी पिको द वेरीज इन ऑन दिस जबरदस्त हो गया बहुत खूबसूरत है जी ये बहुत खूबसूरत सर क्या कहना चाहेंगे ऐसे पाकिस्तान में मौजूद है कोई रेस्टोरेंट नहीं ऐसा मैंने नहीं देखा अभी तक मैंने अच्छा अभी इसे सर्व कैसे करेंगे हम कैसे खाएंगे मुझे तो ये देख के थोड़ा डर लग रहा है खाने वाली चीज से आपको भाई इससे डर रहा है ओ वन मोर चीज आपको इसे आपको निकालना पड़ेगा हम इधर से आप ये आप बताइएगा बाकी लैब है यार स्पाइसी एंड वाटरमेलन फ्लेवर सर पूरी वाटरमेलन सर ड्राई आइस सर आइस दिस इज एप्पल बेसिल एप्पल बेसिल ठीक है बेसिकली इज अ एप्पल एंड जलेबी इज देयर ठीक है टॉपिंग विद द ड्राई आइस सो टेल मी
How was your last day in Dubai? मैं तो सोच रहा हूँ थोड़ा एक्सटेंड कर लूँ. और अभी दिख रहा है जब इंडिया और पाकिस्तान मिल गया ऐसा ही है तो क्या होगा? जबरदस्त माहौल एनवायरनमेंट एक बनेगा. दिस इज द रिजल्ट. बिल्कुल. तो यही तो हम भी कोशिश करते हैं. मैं देखें यहाँ पे आया हूँ और जो मेरी यूएई की सीरीज है आप लोग जो देख रहे हैं रेगुलरली जहाँ पे भी जा रहा हूँ कोई ना कोई देखने वाला जानने वाला मिल रहा है. इसका मतलब है वो लोग इंडिया वाले भी चाहते हैं कि कुछ बेहतरी आए पाकिस्तान में सर. लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है ना कि लाइक यहाँ पे मिल के रह रहे हैं वहाँ पे जाके. ये मैं हर एक से सवाल कर रहा हूँ. मैं मुझे नहीं पता लेकिन मैं एक अपनी एक ऑब्जर्वेशन से कह सकता हूँ कि इस रेस्टोरेंट में भी कोई ना कोई पाकिस्तानी जरूर काम कर रहा होगा. भाई हैं कोई पाकिस्तानी? कितने हैं यहाँ पे? तो नहीं है सर बट दूसरे हमारे रेस्टोरेंट्स में पाकिस्तानी तो है ना सामने लगा जी. वो वहाँ पे भी है पाकिस्तानी बहुत ठीक है करते हैं सर. और इंडियंस भी साथ करते हैं? हाँ सर बहुत साथ में है बहुत. ओके आई विल आंसर यू दिस. डोंट टेक मी रॉन्ग मतलब गलत मत समझना ठीक है. आपको लगता है इधर से वापस जाने के बाद उधर का माहौल अलग है और दूसरी तरीके से बात करते हैं. क्या बात करते हैं? गजवा युद्ध करना है और हमको ओपन करेंगे तो उनको मार देंगे. When you go back to India, you will never hear this across the country, पाकिस्तानी को एक आदमी भी नहीं बोलेगा पाकिस्तानी को मार देना चाहिए या तो पूरा पाकिस्तानी को खत्म करना चाहिए या पाकिस्तानी को मार देना चाहिए. किसी एक बच्चे से भी बाहर नहीं आएगा. सिर्फ प्यार से ही बात करेंगे. जो आपने अबू धाबी में देखा दुबई में देखा इससे बढ़िया प्यार आपको इंडिया में मिलेगा. वाकई कमाल है भाई. यार ये वीडियो जो है ना एक शुएब भाई की बेस्ट वीडियो है. मतलब उन्होंने काफ़ी सीरीज़ कवर की है यूएई की और काफ़ी इंडियन से मिले उनको भरपूर प्यार मिला है भरपूर चीज़ें उनको देखने को मिली. हर एक वीडियो बेस्ट थी. लेकिन ये जो फूड व्लॉग है या फूड एक उन्होंने ये व्लॉग किया है ना यहाँ पर उनको जो एक सर प्यार दे रहे हैं वो क्या कार का नाम था वो GMC यार. एक बार देखे यार के इतना ज्यादा प्यार साइड में भाई एक पाकिस्तान में इस तरह की कोई गाड़ी हुई शायद हो या ना शायद हो लेकिन कम होगी बहुत कम. हाँ लेकिन वहां तो दूसरा यार आप देखो ना यार एक बहुत बहुत प्यार मिला है जो एक बंदा सोच भी नहीं सकता कि इतना उसको प्यार मिलेगा. कैसे उन्होंने भाई वो एक स्पेशल उनको एक वहाँ पे लेके आए रेस्टोरेंट में और जो चीज़ें जो वहाँ पे दिखा दी है ना यकीन करो आप पानी पूरी के ऊपर आ जाएं उसके बाद जो एक डिश लेके आए उसके बाद जो थर्ड थी या साथ जूस वगैरह थे हर चीज़ एक डिफरेंट थी. वो तो है ही लेकिन आप यहाँ पे देखें कि भाई ने प्यार वहाँ पे कितना जताया है खुद लेके आए हैं और पूरा एक कल्चर वहाँ पे ला के दिखाया है. मैं कहता हूँ शुएब चौधरी हम इब्रार को याद करते थे कि इतना प्यार वो तो उधर मिला लेकिन दुबई में ये नहीं सोचा था कि इतना यार प्यार. दुबई में भी वैसे ही चीज़ें और जो एक फूड लैब है एक होटल है यार पूरा बाकी बहुत बड़ी बड़ी भाई एट में थी. जो भाई एक शुएब भाई भी के फर्स्ट टाइम उसने भाई देखी और इधर पाकिस्तान में कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं जिस पर ये चीज़ें मिलती हों या ऐसा कोई सीन हो. ठीक है एक काफ़ी भाई इंजॉय भी कर रहा लेकिन जो सर दूसरे थे ना उनकी बातें आपके सुने बहुत डीपली डीपली बातें और यही होता है मतलब कि एक पढ़े लिखे बंदे में और एक अनपढ़ बंदे में ये फ़र्क आपको ज़रूर एक महसूस होगा. क्योंकि जो एक ज्यादातर जब एक जिंदगी का पता ही ताब चलता है जब बंदा थोड़ा सा ना एक दूर हो एक घर से दूर हो या जिसको थोड़ी सी एक ठोकरें लगी हो एक तब जाकर बंदा अगर संभलता है ना तो उसको हर चीज का पता चल जाता है. अब इधर काफ़ी डिफरेंट होता है. इधर फ्री लोग होते हैं उनका एक ऑलरेडी माइंड इतना मऊफ होता है कि वो हर टाइम मतलब कि फाइट की और लड़ाई की और नेगेटिव तरफ की जाते हैं. लेकिन जिस जिस बंदे को इधर ठोकरें मिली हो या जो बंदा बाहर रहकर आता है ना फॉरेन में चला जाए या जिसको पता है कि लोग रहते कैसे हैं इसमें कोई शक नहीं. हमारे जो फॉरेन भी से भी घूम कर आते हैं ना वो भी जायल ही रहते हैं लेकिन ज़्यादातर कुछ लोग चेंज भी हो जाते हैं जिनको पता है कि एक लोग ज़िंदगी कैसी बसर कर रहे हैं. अब हम रात को इधर एक व्लॉग देख रहे थे पता है याद आपको वो मिस्टर वीर का मिस्टर बीस्ट का. हाँ तो वो व्लॉग हम देख रहे थे और साथ बातें भी कर रहे थे कि यार देखो लोग कितना चेंज है लोग अपनी लाइफ कैसे स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे को उनके कोई लेना देना नहीं है एक फाइट से दूर दूर तक कोई उनको मतलब के एक नहीं लेना देना. लेकिन भाई आज एक वो आए रेस्टोरेंट पर और काफ़ी चीज़ें उन्होंने ट्राई की यहाँ तक कि एक सार की आप बातें सुन ले जो रेस्टोरेंट के मालिक थे उनकी बॉडी लैंग्वेज देख ले जो सार उधर थे काम कर रहे वो देख लो कितना खुश हैं.
नहीं ऐसा ही है, लेकिन ये कि भाई उन्होंने देखो ना, एक पॉलिटिकल इश्यूज हमारे यहाँ पे ज़रूर हैं, कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, लेकिन वो बिल्कुल उन्होंने एक अच्छा कहा कि मैं अगर आपको, आप मुझे मारना चाहते हैं तो आ जाए, मैं आपको यहाँ पे खाना खिलाऊंगा, आप जो मर्जी कर ले मेरे से, मुझे कोई, ये एक बड़ी दिलेरी वाली बात होती है ना, एक ग्रे, एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि भाई हमारे अंदर आपके लिए कोई नफरत नहीं है, ठीक है आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, लेकिन जो थोड़े से कंट्रीज थोड़ा सा साइड भी होते हैं ना, जब वो दुनिया घूमते हैं या वहाँ पे सारा कुछ देखते हैं, फिर वो बहुत कुछ जो है ना वो भूल जाते हैं, इन चीज़ों से वो निकल जाते हैं, वो कहते हैं कि यार ये सब फजूल चीज़ें, इनमें कोई कुछ भी नहीं रखा हुआ, लेकिन हमारे लोग ना अभी उस हद तक बाहर निकले हैं, ना उस हद तक उनको, उनके पास एजुकेशन है कि वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें, लेकिन ये कि अगर वो थोड़ा बहुत अगर इस साइड के ऊपर आते हैं तो उनमें भी इस तरह का ही चेंज आएगा, देख लो, लेकिन भाई उन्होंने बहुत प्यार दिया, काफ़ी खुशी हुई है। तो उम्मीद करते हैं आपको भी वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।